é o Bruneira, não confia. वेकेशंस को मनाकर मैं अपनी मई के गई थी और जब से बच्चे वहां से वापस आए हैं हर रोज कोई ना कोई डिमांड करते रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जो भी डिमांड करे मैं उन्हें बहुत अच्छे से पूरा करूं, क्योंकि वेकेशंस एक ऐसा टाइम होता है जब हम बच्चों का जो पेट होता है उसके साथ साथ उसके मन को भी फुलफिल कर पाते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में पूरे साल इतना व्यस्त रहते हैं कि एक्चुअली उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या खाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी रेसिपीज जो मैंने अपने बच्चों के लिए ट्राई करी हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं, स्वीट रेसिपी हैं और इंस्टेंट हैं, बहुत जल्दी आप इन्हें बना सकते हैं, उन्हीं को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड रसमलाई। तो उसके लिए देखिए मैंने 2 गिलास भर के दूध लिया है और आप कैसा भी दूध ले सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 4 चम्मच के आसपास डाला है मिल्क पाउडर। अगर आपको ये लगता है कि मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाला है, टोटली ऑप्शनल है। और उसके साथ देखिए जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं उसमें आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। उसके साथ थोड़े से जो ब्रेड होते हैं उन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक करके पीस लिया है और कुछ ब्रेड के इस तरह से बीच में से हम ग्लास के हेल्प से स्लाइस निकाल लेंगे अपनी रसमलाई बनाने के लिए। एक रसमलाई ऑलरेडी जो स्टफ्ड होती है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर से चेक करिएगा, वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से किसी शार्प चीज़ से हम निकालते हैं तो बिल्कुल गोल ये निकल के आती हैं। अब जो ब्रेड क्रम हमने पीस के रखा था देखिए उसके मैंने इसमें 4 चम्मच डाले हैं ताकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाए और जितनी आपको इसको गाढ़ी करनी है उसके आप इसको पका लीजिएगा। अब लास्ट में मैंने इसमें 2 बड़ी चम्मच भर के डाली है मीठे की। चीनी को मैंने पहले से पीस के रख रखा है और देखिए मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब ये बहुत अच्छे से पक जाए तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बोल के अंदर जो मैंने रसमलाई के लिए पीसेस काट के रखे थे ब्रेड के उन्हें मैंने इस तरह से रख लिया है और जो दूध हम पका रहे हैं जब वो बिल्कुल आपको लगे कि आधा रह गया है तो उसे आप थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिएगा। और देखिए उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से जितनी भी हमारे ब्रेड्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से हम कोट कर लेंगे और हमें जो दूध की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा के ही रखनी है क्योंकि जो ब्रेड होती है ये थोड़ी देर के बाद इस दूध को पी जाते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं फ्रिज में, तब तक दूसरी रेसिपी बनाते हैं। थोड़ा सा ये मेरे पास रबड़ी बच गई थी तो इसमें मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का डाल लिया है। इसकी गांठें बन जाती हैं तो इसे साथ के साथ चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छे से जब ये इसमें मिक्स हो जाए तो देखिए हमने इसको क्या करना है, एक बोल में अलग डाल लेंगे और उससे क्या होगा कि जिस टाइम पे हम अपनी रेसिपी बनाएंगे तो इसे निकालने में हमें आसानी होगी। अब एक लिया है मैंने इस तरह की कढ़ाई में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी तली थोड़ी सी थिक है और 1 चम्मच मैंने बटर लिया है और बटर के साथ देखिए इस ब्रेड को बहुत अच्छे से हम कोट कर लेंगे और उसके साथ साथ हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है। आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर बटर में आप पसंद करते हैं तो मेरी तरह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेंगे अलग से दूध और उस तरह से देखिए जिस तरह से मैंने इसके ऊपर इसे डाला है दूध को डाल देंगे और जब वो दूध पूरी तरह से जल जाए यानी फूक जाए तो जो रबड़ी हमने तैयार करके रखी है उसके ऊपर उसे डालेंगे और थोड़ा सा इस तरह से दूध डालेंगे और इसे तब तक सेकेंगे जब तक ये बहुत अच्छे से कुरकुरा नहीं हो जाता। और जैसे ही ये बहुत अच्छे से सिक जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या फिर मेरी तरह ठंडा करके भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है और बनाने में आसान भी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी आपका रसगुल्ले खाने का मन हो और आपके पास मावा ही ना हो? तो चलिए रसगुल्ले बनाते हैं बिना मावे के, लेकिन आप भूल जाएंगे मावे वाले रसगुल्लों का स्वाद।
इंस्टेंट रसगुल्ले बनाने के लिए देखिए मैंने ये आधा कप सूजी लिए है जिसे मैंने बहुत बारीक पीस लिया है। इसे बहुत बारीक पीसना बहुत ज़रूरी है। अब एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है और जो सूजी पीस के रखी थी इसे बहुत अच्छे से इसमें भूनेंगे। देखिए भूनते समय इसका आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमें रेड नहीं करना है, बस कच्चापन इसका चला जाए इतना भूनना है और आँच को बिल्कुल धीमा करके रखना है। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे इस तरह से सूजी का जो कलर है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा लेकिन भुननी वो स्टार्ट हो जाएगी। जब भुन जाए तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है दूध। जितना आपने सूजी ली है उसका 3 गुना हमें इसमें दूध को ऐड करना है। आँच को इस टाइम पर आप बंद कर लीजिएगा नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं और इसकी गुठलियाँ जब बहुत अच्छे से इस तरह से ख़त्म हो जाए तो इसका एकदम स्मूथ हमारे पास पेस्ट बन जाएगा जो धीरे धीरे करके डार्क हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप 2 चम्मच घी को ऐड करिएगा ताकि ये जो साइडें हैं ये अच्छे से छूट जाएं। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इसका जो बैटर है वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है और इसको नीचे उतार लेंगे और एक बोल में रख देंगे ढककर। कम से कम 10 मिनट का हमें रेस्ट देना है और इस टाइम पर आप इसे बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा। इसके लिए हमें इसको क्या करना है, ढक के रखना है। जब तक हमारा जो बैटर है रेस्ट कर रहा है तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और उसमें 1.5 कटोरी ही पानी डाला है। आप जितनी भी चाशनी बनाते हैं क्वांटिटी आपको इसी तरह से मेज़र करनी है, लेकिन इसकी जो चाशनी है वो हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनानी है। थोड़ी सी मैंने इलायची को पीस के रख लिया है और देखिए जब लगे कि वो थोड़ी चिपचिपी हो गई है तो बस उसको उतार लेना है। अगर हम ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाते हैं तो वो रसगुल्लों के अंदर नहीं जाएंगी और हमारे जो रसगुल्ले हैं वो हार्ड हो जाएंगे। हमारा जो बैटर है ये भी रेडी है। तो देखिए मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच के आसपास मिल्क पाउडर मिलाया है। यहाँ भी अगर आप मिल्क पाउडर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके साथ अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद बिल्कुल जैसे हम आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम उस तरीके से हम इसका एक स्मूथ आटा बनाएंगे जिसमें बिल्कुल क्रैक ना हो। और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है और उसके साथ देखिए अब क्या करेंगे कि हाथों से इसे बहुत अच्छे से हम मैश करेंगे। बिल्कुल भी ये हाथ पे नहीं चिपकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा उसमें आप घी का यूज़ कर लीजिएगा। अब इस तरह से गोला बना के देखेंगे, अगर गोला बनाने के बाद कोई भी क्रैक नहीं आता है तो समझ जाइए जो हमने डो बना के रेडी करा है वो एकदम परफेक्ट है। देखिए कहीं भी क्रैक नहीं है तो मेरा जो डो है बिल्कुल रेडी है। इस तरह से ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है और देखिए स्मूथ भी हो जाता है और बिल्कुल नहीं चिपकता है। और इसके साथ इसे थोड़ा सा आप ढक के रखिएगा। और देखिए मैं थोड़े से लंबे आकार के बना रही हूँ क्योंकि मुझे यही ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं या फिर आप जैसे पेड़ा बनाते हैं ना बिल्कुल फ्लैट करके वैसे भी बना सकते हैं। यानी जो भी आपको इसका साइज़ या फिर आपको शेप पसंद हो आप उसे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रसगुल्ले को रेडी कर लिया है और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं तलने हैं, बस 5 से 6 ही तलने हैं। थोड़ा सा ये क्योंकि हार्ड हो जाता है बाद में तो इसे ढक के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको रेडी कर लिया है, बाकी को ढक के छोड़ दिया है। अब एक छोटा सा पीस लिया है और देखिए पहले से मैंने इसमें घी को गर्म करना रख दिया था। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी की बनी मिठाइयाँ ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब इस तरह से आप किसी स्पैचुला या फिर चम्मच की हेल्प से घी को चलाते रहिएगा और जो रसगुल्ले हमने बनाए हैं उन्हें इसमें छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेज आँच पे हमें इन्हें नहीं पकाना है और जो भी कलर आपको पसंद हो उसके साथ आप इन्हें इस तरह से तलिए और डायरेक्ट चाशनी में डाल दीजिए। चाशनी को आप थोड़ा सा गर्म करके ही रखिएगा और इस तरह से आप इन्हें बहुत अच्छे से डिप कर लीजिएगा। और देखिए इसी तरह से मैंने अपने सारे रसगुल्लों को रेडी कर लिया है और बहुत जल्दी क्योंकि ये सूजी के बने होते हैं तो 1 घंटे के बाद ही ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और देखिए 1 घंटे के बाद हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ना हमें किसी मावे की ज़रूरत पड़ी है ना ही एक्स्ट्रा तामझाम की। पहली बार में भी आप इन्हें बनाएंगे ना तो बिल्कुल टेस्टी बनेंगे। गार्निश करेंगे कटे हुए हम पिस्ता से और लीजिए हमारे गर्मा गर्म रसगुल्ले रेडी हो गए हैं जो आप कभी भी बना के खा सकते हैं। आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और जूसी हैं। तो इन्हें आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा तभी आपको इनका टेस्ट पता चलेगा। केक खाने का मन है लेकिन अंडा नहीं खाते हैं तो चलिए बिना अंडे से केक बनाते हैं बिल्कुल घर के सामान से।
केक बनाने के लिए मैंने एक भिगोना लिया है, इसमें मैं ज़्यादातर केक ही बनाती हूँ, तो आप इसकी हालत देख ही सकते हैं। पुराना नमक यूज़ करा है, अगर नमक नहीं है आपके पास तो आप रेत भी डाल सकते हैं। इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। अब मैंने 3 केले लिए हैं और इनको मैंने क्या करना है, देखिए मैं इन्हें बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। थोड़े से आप पके हुए केलों का ही यूज़ करिएगा क्योंकि इन्हीं से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। फोक की हेल्प से ये बहुत आराम से इस तरह से मैश हो जाते हैं। और गुठलियाँ आप इनके अंदर बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जो केले होते हैं उसके चंक्स बार बार हमारे केक में आते रहते हैं। अब जब ये बिल्कुल पिस गया है तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच सिनेमन पाउडर डाला है और उसके साथ देखिए ये डाला है मैंने बेकिंग सोडा, और इसके साथ मैंने 1/2 कटोरी डाली है देसी घी की। आप चाहें तो यहाँ पर मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके साथ 3/4 बोल डाले हैं मैंने पाउडर शुगर के, इसको मैंने पहले से ही पीस के रखा था। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, मैंने आज बनाया है वनीला फ्लेवर का, अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है आप उसका फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी मैंने 5 से 6 बूंदें इसमें डाली हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 कटोरी डाला है घर का गेहूं का आटा। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैदा बच्चों को थोड़ा सा नुकसान भी देता है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अब इसे कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए जब आप इसको मिक्स करें तो कोशिश करिएगा एक ही डायरेक्शन में आप इसे घुमाएँ। अगर आपको लगता है कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, जैसे कि मेरे वाला लग रहा है, तो इसमें आप दूध को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। दूध की क्वांटिटी डिपेंड करती है हमारे बैटर के ऊपर। मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 जो कप होता है वो दूध का यूज़ करा है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेक करके डालिएगा। अब 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का डाला है, अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 बड़ी चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर का डाल सकते हैं, उससे भी इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। मेरे बच्चों को बादाम का जो केक है वो ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कटे हुए बादाम। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें टेस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक मैंने इस तरह का घर का टिफ़िन लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है, पहले देसी घी से और फिर थोड़े से आटे से। अब अगर आपके पास केक पैन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ बिल्कुल घर के सामान से, तो इसीलिए मैंने ये जो मेरे पास पहले पैन था वो वाला लिया है। अब इसे बहुत अच्छे से टैप कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो एयर बबल्स होती हैं उनकी वजह से हमारा जो केक है बीच में से फूल जाता है। अब थोड़े से बादाम मैंने इस तरह से चॉप करके और काजू को ऊपर से डाल दिया है। अब देखिए जब तक हम ये काम कर रहे थे तो जो हमारा जो ओवन था वो भी रेडी हो गया है। बहुत तेज गर्म होता है तो किसी कपड़े से ही आप इसे पकड़िएगा। और मैंने ये इस तरह का रिंग यूज करा है लोहे का, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी बेस में कटोरी रख सकते हैं और उसके ऊपर जो भी आपने बर्तन में केक डाला है उसे इस तरह से फिट कर सकते हैं। अब इसे ढक देंगे और लगभग इसको हम किसी भारी वजन से ढकने के बाद 35 मिनट तक बिल्कुल सिम आंच कर पकाएंगे। लगभग 35 मिनट के बाद देखिए मैं इसे चेक कर रही हूँ, अगर ये पूरी तरह से रेडी होगा तो ठीक है, वरना तो हम इसे फिर 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो लगभग 35 मिनट के बाद जब मैंने इसे देखा तो मैंने देखा कि जो केक था वो बिल्कुल रेडी है। अगर अच्छे से चेक करना है तो उसका दूसरा मेथड ये है, आप कोई नाइफ़ लीजिए और अंदर डाल के इस तरह से चेक करिए, अगर नाइफ़ एकदम क्लीन आता है तो समझ जाइए कि जो केक है वो अंदर तक बेक हो गया है। अब एक फ्लास्क की हेल्प से इस तरह से मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि दोनों ही बर्तन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हैं। तब तक इसे डीमोल्ड नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाएगा, तो तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक ये ठंडा हो जाएगा। अब देखिए पूरी तरह से अच्छे से इसे डीमोल्ड करने के बाद एक प्लेट के ऊपर इस तरह से फ्लिप करेंगे और फिर दूसरी प्लेट के ऊपर, और हमारा डिलीशियस घर का बना हुआ केक रेडी है। कट करके देखते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ये कट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी बना था। ट्रस्ट मी, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, घर के बने हुए सामानों से बनता है और इसका जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर आज पहली बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।